बच्चों, हमने हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों पर बात किया था, जिसमें अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि पर चर्चा हो गई थी। आज हम बात करेंगे द्विभाषी विधि। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इस विधि में दो भाषाओं का रोल होता है, दो भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक तो लक्ष्य भाषा जो आप सीखने वाले हैं, और एक स्रोत भाषा। बात यही है कि जब हम द्विभाषी विधि से बच्चे को कुछ सिखाते हैं, कोई नई भाषा सिखाते हैं, तो पहले नई भाषा के शब्दों, उसके वाक्यों, उसके वाक्यांशों की जानकारी हम उसको उसकी मातृभाषा में दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने MANGO मैंगो पढ़ाना है आपको, तो आपने पहले बता दिया कि मैंगो का मतलब आम होता है, तो ये आम जो शब्द है वो आपकी मातृभाषा में है, हिंदी भाषा में है, तो बच्चा समझ जाता है कि मैंगो शब्द का मतलब है आम, या आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैंगो। तो इस भाषा शिक्षण में दो भाषाओं की सहायता लेनी ही होती है। अनुवाद विधि जो आपने पढ़ी थी कि बिल्कुल मैंगो का अनुवाद कीजिएगा हिंदी में तो आम होगा, और प्रत्यक्ष विधि, इन दोनों का मिश्रण है, इन दोनों का मिला जुला रूप है। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड आपने पढ़ा होगा कि जिसमें आप अनुकरण करते करते और बोलना सीख जाते हैं नई भाषा को, जबकि उसके लिए आपको व्याकरण की कक्षा और किसी क्लास की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो द्विभाषी विधि है, ये इन दोनों का ही मिला जुला रूप है। प्रवर्तक इसके वेल्स देश के CJ Dodson है। द्विभाषी विधि जो है बाइलिंगुअल, उसको सबसे पहले उसकी खोज, उसका आविष्कार, उस सोच को लाने वाले सामने वेल्स देश के CJ Dodson रहे हैं, और CIFEL हैदराबाद के प्रोफेसर HN शास्त्री जी का भी कहना रहा है कि हमारे देश में भाषाओं को सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें द्विभाषी विधि बहुत ही ज़्यादा असरदार है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि हमारे देश में अमूमन सभी लोग हिंदी जानते हैं या अपनी मातृभाषा जानते हैं, जो भी उनकी भाषा है, बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी भाषा है उनकी, तो वो उस भाषा को बेस मानकर, उसको आधार मानकर वो विदेशी भाषा को सीख सकते हैं। द्विभाषी विधि विदेशी भाषा को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर मानी जाती है, और जब हम अपनी मातृभाषा के आधार पर कोई विदेशी भाषा सीखते हैं तो पहले हम शब्दों का अनुवाद सीखते हैं, फिर छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद सीखते हैं, और तब हम धीरे धीरे उस भाषा पर अधिकार, जो नई भाषा है जो आप सीखने जा रहे हैं उस पर अधिकार पा सकते हैं। तो कहा जाता है कि भारत में अगर नई भाषा और स्पेशली अगर विदेशी भाषा सीखनी है तो द्विभाषी जो पद्धति है, जो विधि है, वो बहुत ही ज़्यादा कारगर होगी। द्विभाषी विधि पद्धति में आप कक्षा में जब जाते हैं तो मुहावरे जो होते हैं, लोकोक्तियाँ जो होती हैं, वो बिल्कुल अनुवाद नहीं होता है, उसका रूप बदल जाता है। अंग्रेजी भाषा के जो अनुवाद हैं वो अलग होते हैं, हिंदी भाषा के जो लोकोक्ति या कहावतें होती हैं और अंग्रेजी भाषा के जो होते हैं वो अलग होते हैं। ये सिर्फ शब्द पर और वाक्यों पर और लघु वाक्यों पर ही ज़्यादा आधारित होता है, और निचली कक्षा से जब हम आरंभ करते हैं द्विभाषी विधि के द्वारा बच्चे को, जब हम अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच ये सब सिखाते हैं, तो शुरुआत हम करते हैं शब्दों से ही, और शब्द में जब बच्चे थोड़े पारंगत हो जाते हैं, उनका आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है, तब हम वाक्य के छोटे छोटे टुकड़े, आई एम गोइंग, माय नेम इज राम, इस तरह के जो छोटे छोटे शब्द सीखते हैं हम। अगर आपने अंग्रेजी भाषा सीखी है, सीखी ही होगी, तो आप खुद कल्पना कीजिए कि आपने अंग्रेजी भाषा कैसे सीखी। अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए, ये भी एक विदेशी भाषा है, सिखाने के लिए आपने या आपके शिक्षक ने आपके मातृभाषा का प्रयोग किया है, उसको आधार मानकर, उसको नीचे रखकर, और उसके सहायता से उन्होंने आपको विदेशी भाषा सिखाया है। तो द्विभाषी विधि में इसलिए कहा जाता है कि जो बेस है, जो मुख्य भाषा है आपकी, जो अपनी भाषा है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उसमें भी पारंगत होना होता है, और विदेशी भाषा की भी जानकारी आपको रखनी होती है। जब बच्चा सीख जाता है द्विभाषी विधि से तो उसके पास दो भाषाएं हो जाती हैं, जो उसकी मातृभाषा है और वो एक विदेशी भाषा भी है। इसका काफ़ी अच्छा भविष्य है, जब बच्चे द्विभाषी विधि से विदेशी भाषाएं सीखते हैं तो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, उनके ज्ञान का आकाश विस्तृत होता है, उनके प्रोफेशनल लाइफ को एक नया
नई ऊंचाई मिलती है। तो इसलिए भारत में स्कूलों में कॉलेजों में अधिकतर नई भाषा सिखाने के लिए द्विभाषी विधि का ही प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।